साल रणवीर और आलिया की शादी में शामिल होंगी कैटरीना कैफ। आइए जानते हैं उनके जवाब के बारे में कि आखिर कैटरीना कैफ क्या बोल रही हैं इस बारे में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड हेडलाइंस। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको पता है कि रिलेशनशिप स्टेटस यानी ब्रेकअप्स और पैचअप्स का सिलसिला तो हमेशा से जारी रहता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप को लेकर तो काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं, और अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लगभग रणवीर कपूर 2021 तक आलिया भट्ट से शादी कर सकते हैं। और अब आपको साथ ही साथ बता दें कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कैटरीना कैफ का कुछ रिएक्शन सामने आया है रणवीर और आलिया की शादी को लेकर। आपको बता दें कि रणवीर और आलिया जल्द ही हो सकता है 2021 तक दोनों शादी के बंधन में बन जाए। अब इसी दौरान आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना कैफ से यह पूछा गया कि अगर उनके पास दो ऑप्शंस होंगे यानी कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी में जाना या फिर आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादी में जाने का मौका मिलेगा, तो आप इन दोनों में से किसकी शादी में जाना पसंद करेंगी। तो इस तरीके से कैटरीना कैफ ने भी कुछ लाजवाब अंदाज में जवाब दे दिया है। कैटरीना कैफ का कहना है कि वह अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगी। उनका साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली यह भी कह दिया कि अर्जुन कपूर उनके भाई हैं, तो वह उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगी रादर देन रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। तो इस तरीके से कैटरीना कैफ ने यह साबित कर दिया है कि वह अर्जुन कपूर की शादी में जाना पसंद करेंगी। यहां तक कि अब आपको बता दें कि आखिरकार रणवीर कपूर तो आलिया भट्ट कैटरीना कैफ दोनों मतलब इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होंगी, क्योंकि कैटरीना कैफ रणवीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं क्लैश करती हुई दिखाई दे रही थी। तो कैटरीना कैफ ने रणवीर और आलिया की शादी में जाने से कर दिया इनकार। तो आप भी बताइए कि आपकी क्या राय है इस व्यूज को लेकर, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।